नेशन लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उसके आसपास का इलाका एक बार फिर धुंध की चपेट में आ रहा है। दिल्ली की हवा लगातार दूषित होती जा रही है, जिसका असर आम लोगों पर पड़ रहा है। प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए नई दिल्ली इलाके में NDMC ने एक पहल की है। इस पहल के तहत पेड़ों पर पानी छिड़का जा रहा है, ताकि उन पर जमी धूल हटाई जा सके और शुद्ध हवा की सप्लाई हो सके। एक्सपर्ट के हवाले से लगातार इस प्रकार की चेतावनी दी जा रही है कि अगले 2 दिन दिल्ली के लिए काफी मुश्किल हो सकते हैं। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, बल्कि नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव जैसे क्षेत्रों में भी चिंताएं बढ़ती जा रही है। ₹2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले देश में एक बार फिर राम मंदिर का मुद्दा गरमाने लगा है। एक और इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार इस पर राजनीतिक बयान आने लगे हैं। RSS ने एक बार फिर राम मंदिर के शीघ्र निर्माण के लिए अध्यादेश लाने और कानून बनाने की मांग को दोहराया। RSS के संयुक्त महासचिव मनमोहन वैद्य ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण राष्ट्रीय गौरव का विषय है। सरकार को चाहिए कि राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण का काम शुरू किया जाए और राष्ट्र के गौरव को बहाल किया जाए। गौरतलब है कि दिवाली के त्योहार से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि वह इस बार भी अयोध्या में ही दिवाली मनाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस बार वह कोई खुशखबरी लेकर ही अयोध्या जाएंगे। शाहजहांपुर के बंगेर गांव में कोटे को लेकर मामला काफी तनावपूर्ण स्थिति में हो गया, लेकिन शासन प्रशासन के हस्तक्षेप और सहयोग से चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। बता दें कि गांव के 3 लोगों ने कोटा लेने का दावा ठोक दिया, लेकिन तीनों लोगों में सहमति ना बन पाने पर शासन प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा के बीच कोटे का इलेक्शन करवाया, जहां पर कोटे को लेकर ग्राम पंचायत बंगेर में काफी तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई। लेकिन शासन प्रशासन ने अपनी कार्य कुशलता के चलते पुलिस प्रशासन के सहयोग से शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराया। चुनाव में सुनीता देवी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कुसुम देवी को 197 वोटों से शिकस्त देकर अपने नाम किया। जी, आप कितने वोटों से जीती हैं? 197। तो किस तरीके से वोटिंग हुई आपके गांव में? सही वोटिंग हुई? सही। अच्छा, तो किस तरीके से, कितनी पार्टियां थी आपके गाँव में? दो पार्टियां थी। आपको कैसा महसूस हो? बड़ी खुशी महसूस हो रही होगी आपको आज? जी, प्रत्याशी हमारे यहाँ दो हुए, मतलब नामांकन हुए, एक कुसुम देवी भाई बाप श्यामपाल, एक मिथुलाल सुनीता देवी भाई बाप मिथुलाल। जी, तो कितने वोटों से जीत हुई है? सुनीता देवी मिथुलाल की जीत हुई है 197। तो क्या माहौल था गांव के आपका? सही सलामत सही निपट गया आपका? जी, वोटिंग शांतिपूर्ण। कोई इसमें कोई इधर उधर से कोई वोटिंग में लापरवाही तो नहीं हुई? शांतिपूर्ण। पुलिस और स्वाट टीम ने अंतरप्रांतीय वाहन चोरों के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 6 साथी चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने चोरों के पास से 22 चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की है। पुलिस को इन चोरों के पास से गैस कटर, ऑक्सीजन सिलेंडर और कई उपकरण भी मिले हैं, जिसकी मदद से ये सातिर चोर चोरी की घटना को बेहद सफाई से अंजाम दिया करते थे। SP संतोष कुमार सिंह ने बताया कि ये सातिर वाहन चोर ठंड के मौसम में मौके का फायदा उठाकर गैस कटर आदि उपकरणों की मदद से सोने चांदी की दुकानों में भी चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। पकड़े गए चोरों में से कुछ चोरों के ऊपर हत्या के मामले में भी मुकदमे दर्ज हैं, जिनकी पुलिस को लंबे समय से तलाश थी। पकड़ा गया है, जिनके कब्जे से कुल 22 मोटरसाइकिलें बरामद की गई है। और इसमें सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि इन 22 बरामद मोटरसाइकिलों में से अब तक 11 कनेक्ट हो चुकी हैं, जिनका मुकदमा दर्ज है और वो आइडेंटिफाई हो चुकी हैं उन मुकदमों से। इसके अलावा 6 मोटरसाइकिलें बरामद ऐसी हैं जिनके हम बहुत करीब हैं उनको कनेक्ट करने के, और बहुत शीघ्र ही उनको हम घटनाओं से कनेक्ट कर लेंगे। तो ये जो गैंग पकड़ा गया है, इसके 6 सदस्यों में से 3 बिहार के रहने वाले हैं, 2 मुगलसराय थाना क्षेत्र के हैं और 1 बबुरी क्षेत्र का है। साथ ही साथ इन्होंने पूछताछ में बताया है कि ये जाड़े के दिनों में गैस कटर आदि की मदद से सोने चांदी की दुकानों में चोरी का भी काम करते हैं। तो इस प्रकार से एक बड़ी कामयाबी है और निश्चित तौर पर इससे चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगा। इसमें जो गैंग लीडर है, जो भभुआ बिहार का रहने वाला है, कमलेश कुमार मौर्य उसका नाम है, वो हत्या के मामले में जेल जा चुका है बिहार से,
साथ ही एक बार बिहार में वो गिरफ्तार हुआ था तो 11 मोटरसाइकिलें उसके कब्जे से बरामद हुई। ड्रग्स रास्ता ने स्थानीय जिला संयुक्त चिकित्सालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न वार्डों का निरीक्षण करते हुए सीएमएस डॉक्टर उषा श्रीवास्तव से मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जाना, साथ ही पुरुष तथा महिला वार्ड में भर्ती मरीजों का हालचाल भी लिया। निरीक्षण के दौरान सर्वप्रथम इमरजेंसी वार्ड में पहुंचे प्रमुख सचिव ने इमरजेंसी में मिलने वाली विभिन्न सुविधाओं के बारे में जाना। प्रमुख सचिव ने एनआरसी रूम की प्रशंसा करते हुए कहा कि मरीजों को पोषण का विशेष ध्यान दिया जाए, साथ ही इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाए कि मरीज पूरी तरह से ठीक होने के बाद ही यहां से डिस्चार्ज हो। इस अवसर पर जिलाधिकारी, सीडीओ, सीएमओ, सीएमएस सहित अन्य लोग मौजूद रहे। बलिया जनपद के जुड़नपुर गांव में मायके में रह रही पत्नी को पति ने चाकू से गोद कर मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद पति ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क कर खुद को आग के हवाले कर दिया। बता दें कि पति पत्नी में आए दिन विवाद होता था, जिसको लेकर गांव में पंचायत भी हुई थी। परेशान होकर पत्नी अपने मायके चली आई। घटना में दामाद को बचाने गई सास भी पूरी तरह से झुलस गई है। फिलहाल परिजनों ने दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां आरोपी की हालत अभी नाजुक बनी हुई है। ये जुड़नपुर गांव है, थाना नगरा में, जहां आज लगभग 7:45 बजे एक विवाहिता लड़की अपने कोचिंग पढ़ने जा रही थी नगरा थाना क्षेत्र में ही। बताया जाता है कि वो पुलिस में भर्ती होने की इच्छुक थी और इसीलिए कोचिंग करने जा रही थी। इस रास्ते में इसके पति इसको मिले हैं और पति ने इस पर वार कर दिया है चाकू नुमा ब्लेड से, जिससे उसकी गर्दन कट गई है और मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई है। उसके शरीर पे और भी चोटें आई हैं। इसके बाद जो चश्मदीद गवाह है उनके मुताबिक ये लड़का अपनी ससुराल गया है और ससुराल के अंदर अपने ऊपर पेट्रोल। कार्य टीम की नाक के नीचे लगातार अवैध शराब का कारोबार चल रहा है, तो वहीं विभाग को शराब माफिया मोटी रकम देकर इस अवैध शराब के खेल को खुलेआम खेल रहा है। शासन के आदेश पर अवैध शराब को पकड़ने का अभियान चल रहा है। इस अभियान के अंतर्गत पुलिस की टीम को एक बड़ी सफलता मिली। मुखबिर के सूचना पर बैराज रोड पर चेकिंग के दौरान एक ट्रक में 490 पेटी हरियाणा मार्का अवैध शराब बरामद की गई। पकड़ी गई अंग्रेजी शराब की कीमत लगभग 14 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि हरियाणा से डीसीएम ट्रक में लाखों रुपए की शराब तस्करी कर लाई जा रही थी, जिसे सूचना के आधार पर पकड़ लिया गया है। देखिए, कल रात हम लोगों चेकिंग के दौरान एक डीसीएम को रुकवाया गया था, जिसमें 490 पेटी हरियाणा मार्का शराब पकड़ी गई है और जिसमें एक ड्राइवर भी पकड़ा गया। उसके साथ एक व्यक्ति और था जो कि गाड़ी से निकलकर भाग गया। जल्दी उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जाएंगे। और यह हरियाणा मार्का की शराब थी, जो कि बिजनौर में अब दीपावली के उत्सव पर बेचने के उद्देश्य लाई गई। धतूरा खुर्द के प्राथमिक विद्यालय परिसर में जर्जर हालत में बिजली का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, जिसे लटकते बिजली के तार कभी भी दुर्घटना का सबब बन सकते हैं। दहशत में पढ़ाई करने को मजबूर बच्चों का कहना है कि ट्रांसफार्मर में से चिंगारी निकलती है, जिसकी वजह से पढ़ाई करते समय डर लगता है। वहीं इस मामले पर गाँव के ग्राम प्रधान का कहना था कि विद्यालय की सबसे बड़ी समस्या यहाँ का ट्रांसफार्मर है, जिसमें आए दिन शॉर्ट सर्किट होता है। कई बार इसकी लिखित शिकायत भी दी गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। इधर इस घटना पर बिजली विभाग के अधिकारी का कहना था कि इसमें लाइनें पहले से बिछी हैं जो नहीं बिछनी चाहिए थी, जल्दी उसका सर्वे कराकर उसे हटवा दिया जाएगा। विद्यालय में सबसे बड़ी समस्या यहाँ ट्रांसफार्मर है, आए दिन शॉर्ट सर्किट होते रहता है। कभी बड़ा हादसा होने का शंका बना रहता है हम लोग को। बच्चे यहाँ फील्ड में खेलते हैं, यही छोटा सा फील्ड है हमारे पास, जो यहीं पर खेलते रहते हैं और आए दिन दिक्कतें होती रहे। जैसे अब आए थे और इस्टीमेट बनाने की बात कहे थे, अभी तक इस्टीमेट नहीं बन पाया, ना ही कोई हमको सहयोग मिल पाया इसका। मैं कई बार कंप्लेन भी कर चुका हूँ और कह भी चुका हूँ, जैसे आपको ला कर यहाँ दिखा भी चुका हूँ। अब फोटो के साथ हमारे पास कंप्लेन है, मैं दे चुका हूँ उनको। उसमें देखिए, लाइनें सब पहले से बनी रहती हैं, नहीं बनना चाहिए था। स्कूल अगर था तो स्कूल के बगल से बनना चाहिए था। उसको देखवा लेते हैं, सर्वे करा के अगर संभव है जगह बगल में मिल जाता है, अब कोई विवाद नहीं होता। जिले में नीलपुर प्राथमिक विद्यालय में आग लगने से विद्यालय में रखे किताब और गुणोत्सव के कागजात जलकर खाक हो गए।
जानकारी के मुताबिक स्थानीय लोगों ने विद्यालय के अंदर से धुआं निकलते देखा, जिसके बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई। मौके वारदात पर स्थानीय लोगों ने मिलकर आग को बुझाया, जिसके बाद विद्यालय के शिक्षक और मैनेजिंग कमेटी ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। फिलहाल पुलिस मामले की पूछताछ कर रही है और आग लगने के रीजन का पता लगा रही है। असम के कामरूप जिले के अमीन गांव उपायुक्त कार्यालय में पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। बता दें कि यह पत्रकार सम्मेलन कुमार वैश्य की अध्यक्षता में किया गया था। इस सम्मेलन में जिला उन्नयन अफसर, अतिरिक्त उपायुक्त और जन सहयोग अफसर अन्य लोग मौजूद रहे। सम्मेलन में पत्रकारों को कृषि विभाग, जन स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण आदि विभागों के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही गुवाहाटी रोड डिवीजन के द्वारा सड़क निर्माण के लिए लगभग 41 लाख रुपए का आवंटन भी किया गया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए नेशन लाइव के साथ। नमस्कार।